नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम विज में। देखिए, रीट मुख्य परीक्षा लेवल वन और लेवल टू के लिए जो राजस्थान भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की थी कल से, तो आज दूसरी क्लास होने वाली है और इसके अंदर भी अपन दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो मानसून तंत्र और जलवायु, और दूसरा टॉपिक है यहाँ पर राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो एक वीडियो में दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और बिल्कुल रिविजन क्लासेज ये रिविजन क्लास होने वाली है, तो यहाँ पर आपको सीधा प्रश्न और उसका उत्तर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का करंट अफेयर्स, सभी की क्लासें आपको रोजाना मिल रही है, तो आप फायदा उठा सकते हैं इनका। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो या फिर दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान भूगोल में दो टॉपिक हो गए और तीसरा टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शीतकालीन वर्षा मावठ की उत्पत्ति होती है, तो मावठ की उत्पत्ति वहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का उत्तरदायी कारण है, तो क्या कारण है यहाँ पर? पश्चिमी विक्षोभ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कारण है, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगी सवानीय धाराएं। ठीक है, यहाँ पर केवल सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीस में तीसरा के अंदर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर चार हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है, तो यहाँ पर जाएगा देखिए जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो सेकावाटी प्रदेश। छह नंबर क्वेश्चन है, पूर्वाइया क्या है? पूर्वाइया क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? मानसून पूर्व की वर्षा। ठीक है, मानसून पूर्व की वर्षा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए, सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AW। इसके बाद देखिए, आठवां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रेतीला मैदान की पूर्व या पूरी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्वेश्चन नंबर नौ, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मेवात ढांग प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो यहाँ पर CWG। इसके बाद देखिए, दस नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो सामान्यतः यहाँ पर पांच भागों में किया जाता है। इसके बाद देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून की विशिष्ट दिशा है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। बारहवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन सा भाग समानतुल्य जलवायु प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो यहाँ पर बूंदी, भीलवाड़ा और टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक। क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, तो गोडवाड़ प्रदेश में। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश में। इसके बाद देखिए, चौदह नंबर क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? तो जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, इसमें राइट आंसर जाएगा BSHW। इसके बाद देखिए, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून विच्छेद की अवधि है, तो यहाँ पर जाएगा जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई अगस्त। इसके बाद देखिए, सोलह नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब की स्थिति को दर्शाने वाला सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले भौतिक प्रदेश हैं, तो यहाँ पर जाएगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से BWHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। इसके बाद देखिए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक हो जाएगी ये जैसलमेर में। बीसवा क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो औसत वार्षिक वर्षा ये होती है 57 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर।
21वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा नहीं होती, इसका प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो 21 में जाएगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिला युग्म जहाँ से 500 मिलीमीटर 50 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा गुजरती है, तो ये हो जाएगा जयपुर अलवर। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में रात्रि में अचानक तापमान में गिरावट का उत्तरदायी कारण है, तो कौन सा कारण है यहाँ पर? महाद्वीपीयता, ठीक है, महाद्वीपीयता। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्वियों का संबंध है, राजस्थान में पूर्वियों का संबंध किससे है? तो यह जगह पूर्व से आने वाली हवा, पूर्व से आने वाली हवा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए इसके अंदर एक और तीन इसमें असत्य हैं। देखिए एक नंबर में है, राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियाँ की संख्या वृद्धि होती है, आंधी संख्या में वृद्धि होती है। और तीन नंबर है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले आंधियाँ तापमान में वृद्धि करती हैं, तो ये दोनों कथन गलत हैं। देखिए दूसरा कथन है कि पश्चिम राजस्थान में चलने वाली लू तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और चौथा है, राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होती है, तो एक और तीन इसके अंदर ये असत्य हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये 25 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, और अगला टॉपिक हमारा अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र में झीलें नदियाँ और बांध के क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम है बताइए, तो नदियों का सही क्रम बनास, लूणी, चंबल और माही, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा अपवाह तंत्र राजस्थान में कौन सा है? तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र हो जाएगा, ठीक है, आंतरिक अपवाह तंत्र। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लंबाई के आधार पर राजस्थान में नदियों का आरोही क्रम बताइए, तो यहाँ पर चंबल, माही, लूणी और बनास। इसके बाद देखिए चार नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असम्मिलित कथन को छांटिए, असम्मिलित को छांटिए, तो गंगा नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, काकनी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और साबी नदी एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा से जाती हैं, तो एक बी सी इसमें सत्य हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ रूपारेल नदी के किनारे स्थित है, तो ये इसके अंदर क्या है? गलत है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सूची एक और सूची दो के साथ में यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए सेवर की पहाड़ियाँ, तो सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो साबी नदी का उद्गम होता है। और कोटड़ी की पहाड़ी से काकनी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ी से मेंथा नदी और उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है रूपारेल नदी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 1 2, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया 4 3 1 2। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सभ्यता और इधर है नदियाँ। देखिए रंगमहल जो सभ्यता है ये हो जाएगी गंगा नदी के किनारे, और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी हो जाएगी, नौह सभ्यता नौ भरतपुर में कौन सी नदी जाएगी? तो यहाँ पर रूपारेल नदी, और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी, ठीक है, तो कौन सा हो गया? देखिए एम एच 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी, 6 के अंदर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, लूणी नदी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए असत्य कथन को छांटिए, तो लूणी नदी अरब सागर की अपवाह तंत्र की नदी है, ठीक है, और लूणी बेसिन में प्राचीन जलोढ़ बांगर का विस्तार है, मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी के किनारे भरता है, तो ए बी और सी ये तो सत्य है इसमें, ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साबी नदी लूणी की सहायक नदी है, तो ये इसका राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्गम से समाप्ति की ओर लूणी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम बताइए, तो यहाँ पर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस अपवाह तंत्र की नदियाँ एस्चुरी या ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर जाएगा अरब सागरीय की नदियाँ। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, माही की सहायक नदियों को उनके उद्गम स्थल को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन करें, तो देखिए यहाँ पर जाखम में हो जाएगा बबरमाता की पहाड़ियाँ, सोम में हो जाएगा बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, और अनास ये आबोर ग्राम की पहाड़ियाँ, और चाप हो जाएगा कालिंजरा की पहाड़ियाँ,
इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1, ठीक है, 10 के अंदर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 11, हतमती, वेतरक, सेई, वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो किसकी सहायक नदियाँ हैं ये? तो ये हो जाएगा साबरमती की, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर जीके का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। साबरमती की नदियाँ हतमती, वेतरक, सेई, वाकल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सुगली, ठीक है, सुगली। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, काली सिंध नदी किन दो जिलों के मध्य सीमा बनाती है? काली सिंध नदी, तो ये झालावाड़ और कोटा। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम और नदियाँ, तो इनको आपस में सम्मिलित करते हैं। देखिए रामेश्वर घाट, तो रामेश्वर घाट में आ जाएगा बनास, चंबल और सीप, और मैनेश्वर में जाएगा सोमाही, जाखम। इसके बाद बिगोद में बनास, बेड़च और मैनाल, और राजमहल में बनास डाई, खारी, ठीक है। तो क्या हो गया राइट आंसर 14 के अंदर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन है, लूणी की एकमात्र नदी जो दाई ओर से मिलती है, लूणी की एकमात्र नदी जो दाई ओर से मिलती है, तो कौन सी नदी है? जोजरी नदी, कौन सी है? जोजरी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर जाती है? देखिए दक्षिण से ही प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में जाती है, तो ये हो जाएगी माही नदी। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन, इधर है परियोजना, इधर है जिला, तो सम्मिलित करना है इनको भी। देखिए पांचना बांध कहाँ है? करौली में, और सोम कमला अम्बा परियोजना ये डूंगरपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, और मेजा बांध भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 4 3 2 1। इसके बाद देखिए 18वां क्वेश्चन, चंबल नदी किस जिला समूह से गुजरती है? चंबल नदी, तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ये बना है गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य को छांटिए। तो देखिए बाणगंगा नदी उत्तर प्रदेश में आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है, चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर गोशंडा बांध स्थित है, और बनास नदी रामेश्वर नामक स्थान पर सीप व चंबल में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, तो ये तीनों इसमें सही है, ठीक है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम, माही, चंबल, तीनों नदियाँ मिलकर बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है, तो ये इसमें क्या हो गया? गलत, यहाँ पर माही नहीं आता है। देखिए इसमें सोम माही, यहाँ पर चंबल की जगह आएगा जाखम, ठीक है, सोम माही भी आएगा, यहाँ पर आएगा एक जाखम नदी, ठीक है, सोम माही जाखम है, त्रिवेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन है, जलप्रपात और इधर है नदियाँ, तो इनको भी आपस में सम्मिलित करना है। देखिए चूलिया जलप्रपात हैं चंबल नदी पर हैं, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, और भीमताल कहाँ पर है? ये मांगली नदी पर है बूंदी में, और मैनाल जलप्रपात ये भीलवाड़ा में मैनाल नदी पर, और दिव्य जलप्रपात कुकुंद नदी पर है, कौन सी नदी पर है? कुकुंद नदी पर, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो गया 4 3 2 1। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी है, जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी से होता है, और लूणी के अधिकांश सहायक नदियाँ अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती हैं, और चौथा है बीकानेर चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है, तो क्या पूछा यहाँ पर? देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो 22 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी है, तो ये तो सही है, और लूणी के अधिकांश सहायक नदियाँ अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है, ये भी सही है, और चौथा भी सही है, ठीक है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, ठीक है, 22 के अंदर हो गया डी, ये गलत है दूसरा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो घग्गर नदी राजस्थान में टिबी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, नीम का थाना सीकर में कांतली नदी किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, तो ये दोनों सही है, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गंभीर बेड़च नदी के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ये भी सही है, इसमें हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश खाटू गाँव बांसवाड़ा से होता है, तो ये गलत हो गया, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक और सूची दो के साथ में बांध और नदियाँ, तो करते हैं सम्मिलित।
देखिए बंद बरेटा बांध, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ पर, बंद बरेटा। देखिए यहाँ पर जाएगा कुकुंद नदी, ठीक है, कौन सी, कुकुंद नदी, मोती झील बांध, रूपारेल नदी और राणा प्रताप सागर चंबल नदी और सोम आगदर, ये सोम नदी। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2, 1, 4, 3। 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1950 जोधपुर में, ठीक है, वर्ष 1950 जोधपुर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है, खारे पानी से संबंधित कौन सी झील है, काऊ झील जैसलमेर में है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शत्रुओं के रक्त को साफ करने के लिए किया गया था, तो ये आनासागर झील अजमेर में है, तो इसके लिए कहा गया है कि इनका निर्माण शत्रुओं के रक्त को साफ करने के लिए किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है, तो चमड़ा उद्योग में डिंडवाना झील जो नागौर में है, ठीक है। इसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 29 में जाएगा मानसागर झलावाड़, ठीक है, गेप सागर डूंगरपुर नवलखा बूंदी पीतमपुरी सीकर। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झीलों का सही युग्म कौन सा है, तो यहाँ पर पुष्कर झील, फतेह सागर और मानसागर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपवाद तंत्र को लेकर के 30% हो गए, तो आज की वीडियो में कुल हो गए 15 मिनट में कितने परसेंट, 55%, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल आप रिवाइज जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री, राजस्थान के कल्चर और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का करंट अफेयर्स, सभी की क्लासेज रोजाना आपको दे रहा हूँ, तो आप जरूर इनका फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेज हैं, तो आप इनका जरूर फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली क्लासेज है, ठीक है, धन्यवाद।